उसको अभी अपने को समझने से फुर्सत नहीं है कि पहले मैं खुद को तो देख लूं कि कितना स्मार्ट हूँ। ये बता दो सबको पहले मैं कितना स्मार्ट हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। जी जी, है ना। तो जिनकी वाणी मेरे सामने आती है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे शिष्य आते हैं जाते हैं, मेरी तरफ से हमेशा प्रेम रहता है। बात मैं बंद कर देता हूँ लेकिन भीतर प्रेम रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि मुझे पता है कितनी है। उसकी बुद्धि बस इतनी है कि वो जो मंत्र लिखा है बस ये मंत्र उच्चारण ढंग से करके बता दो, तब मैं गुरु मान लूंगा। तुम जो है जितने वेद हैं कंटस्थ करके मेरे सामने उल्टी करके दिखा दो तो मैं गुरु मान लूंगा, है ना। तो ऐसे जितने भी साधक आते हैं जुड़ते हैं उनका इतना ही योगदान होता है कि बस वो पूरे दिन साथ चले, उसके बाद चले गए। उन्होंने मेरे को जो है काफी कुछ बुरा बोला, भरा बुरा, पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन उसके बाद अगले दिन मैसेज कर रहे हैं, अघोर तो बहुत उग्र होते हैं आप, तो आपको मैंने इतना बुरा बोला और उसके बाद आपको कोई रिएक्शन नहीं, आप बिल्कुल शांत। तो ये छोटी सी चीज थी कि उनको समझना चाहिए था कि अगर गुरु इतना उग्र होने के बाद, इतने उग्र देवता होने के बाद भी इतना सौम्य और शांति से है तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष बात तो होगी, वरना जरा सी कर्ण साची नहीं करने के बाद भी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना। तो ये जो तुम्हारा जीवन था और साधना का था, शक्तियों से संबंधित जितने भी चीजें थी वो बार बार बताता रहता हूँ अपने वीडियोस में भी, इसको हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी गुरु का जो योगदान है जी, है ना, भले ही आपको आर्थिक रूप से कोई उपलब्धि ना प्राप्त हुई हो, भले ही आपको पारलौकिक रूप से कोई किसी महान शक्ति के दर्शन न हुए हों, है ना, लेकिन जो गुरु का योगदान है वो इतना हिडन होता है, इतना गुप्त होता है कि आपकी बुद्धि कभी भी नहीं समझ पाएगी कि उस गुरु ने क्या दिया, कभी नहीं समझ पाएगी, है ना। वो तब समझ पाएगी जिस क्षण आप मौन हो गए ना भीतर, उस दिन आपको उस गुरु की एक एक बात याद आएगी, पता चलेगी कि क्यों बोला था, है ना। लेकिन ये बात मुख्य रूप से 99.9% सभी गुरुओं के साथ तब साधकों को समझ में आती है जब वो गुरु शरीर त्याग के चला जाता है, है ना। तो ये आपकी जो पीड़ा है मैं वो जानता हूँ, और इसमें आपका जो उद्देश्य है साधना में उतरने का, उसमें मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं आपको धक्का ही मारते रहूंगा, आपको बैठने नहीं दूंगा चैन से। मेरा सौभाग्य गुरु जी की आप जो है निरंतर मुझे प्रेरित करते रहते हैं और परीक्षा के काबिल समझते हैं, परीक्षा लेते हैं मेरी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य गुरु जी। और मैं सदैव से केवल आप ही की वाणी को मैंने वेद समझा है, शास्त्र समझा है, और मैंने कभी और कोई शास्त्र कभी नहीं गुरु जी, कभी केवल मैंने आपको जाना है और आप ही को मैंने सब कुछ समझा है, और बस आपके उसी प्रेम का परिणाम है कि मेरे इस समय जो स्थित है साधना में वो इतनी अच्छी जा रही है। कभी कभी गुरु जी बैठा रहता हूँ ऐसे या कहीं जा रहा होता हूँ तो अपने आप एक बताते हैं ना वीर भाव, जो आप बताते हैं अंदर से पता नहीं कैसे डर जाता है वीर भाव, भावें एकदम तन जाती हैं, आंखें तन जाती हैं और एकदम लगता है जैसे मैं चिंगाड़ू खूब पेट से, और उसको शब्द में बयां नहीं कर पा रहा हूँ गुरु जी, ऐसा होता है और बहुत देर तक ऐसी स्थिति बनी रहती है। और तो लेकिन फिर बाद में और उस समय ऐसा भी लगता है गुरु जी की कोई है पास में और उसकी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही होती है, चलता हूँ तो उसकी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही होती है कि कोई है, ऐसा लगता है जैसे बाबा ही है। हाँ मुझे लगता है कि बाबा ही, तभी उस समय जो है एकदम मेरी भावें बन जाती है और एकदम वीर भाव वाली अवस्था आ जाती है। और कई कई बार तो मुझे साधना करते समय भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती गुरु जी, पता नहीं कैसे, पता ही नहीं चलता कि मुझे भोजन की आवश्यकता है भी, दो दो दिन गुजर जाते हैं और मैं साधना करता रहता हूँ, साधना के दौरान मुझे भूख वगैरह पहले तो बहुत सताती थी लेकिन अब जो है उसका प्रभाव खत्म हो गया है। अब गर्मी में बैठा रहता हूँ, पसीना से तर बतर हूँ लेकिन प्यास भी नहीं लगती,
मतलब मेरे होंठ भी फट जाते थे, इतना ज्यादा फट जाते थे जाप करते समय, मैं अपना मुंह नहीं लगाता था, अब वो भी नहीं होता। ये उन लोगों के लिए आलोक बहुत बड़ा सबक है जिनके पास कमरे में पंखा है, जिनके पास कमरे में एसी है, जिनके पास खाने पीने की सारी व्यवस्था है, घर परिवार है, सेवा में लोग लगे हुए हैं। ये उन लोगों के बहुत बड़ा सबक है कि साधक के पास जब पंखा नहीं होता और 50 डिग्री टेम्परेचर होता है सर पे टॉप फ्लोर पे, कितनी परेशानी होती है, कितने घमोरियां निकल आती है, कितनी खुजली होती है, कितना पसीना होता है जी, और उसके बाद भी अगर वो बैठा हुआ है तो कितनी अग्नि पीछे से आ रही होगी, कितना गुरु का बल उसका पीछे से आ रहा होगा, ईष्ट का बल आ रहा होगा कि उसको वो क्या मिल रहा है उसको भाई, इतनी सड़ी हुई गर्मी में आदमी को पानी चाहिए ठंडा, तुम्हारे पास ठंडा पानी नहीं, उबला हुआ पानी तुम पी रहे हो, ठीक है, फ्रिज नहीं तुम्हारे पास, पंखा नहीं तुम्हारे पास, और कैसे तुम बैठे हो जी, तो क्या मिल रहा है तुमको, है ना। तो तुमको ये मिल रहा है कि जो भीतर से चुपके चुपके तुम्हारे भीतर को गंदगी से दूर कर रहा है, तुम्हारे चित्त को शांत कर रहा है जी, तुम्हारे आत्मा में प्रवेश कर रहा है जी, उसकी जो हल्की हल्की छुअन है ना, वही तुमको प्रेरित कर रही है, वही तुमको मिल भी रहा है जी, और वो जो मिलना होता है वो छीनना होता है एक्चुअली में जी, जी। जितना जितना मिलता जाता है उतना उतना छीनता चला जाता है, और इतनी इतना तप लगाना, इतना बल लगाना किसी सामान्य साधक की बस की बात नहीं है, है ना। क्योंकि मेरे पास बहाने आते हैं, अरे पैर में दर्द कर रहा है, अरे कमर में दर्द कर रहा है, अरे गर्दन में दर्द कर रहा है, सर में दर्द कर रहा है, सर घूम रहा है, बीवी डांट रही है, बच्चे डांट रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे से पत्थर गिर रहे हैं, बारिश हो गई, सर्दी हो गई, है ना, आज पैसे नहीं है, आज खाना नहीं है जी। आलोक तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम्हारे पास खाना भी नहीं है, तुम्हारे पास पंखा भी नहीं है, सड़ी हुई गर्मी में 45-48 डिग्री और टॉप फ्लोर दिल्ली का, है ना जी, जी। और ऐसी स्थिति में जब घर की तरफ से प्रेशर हो जी, तुम हमारे आश्रम में बैठ के अगर तुम जाप कर रहे हो, तो ये उस स्थान का, उस बिल्डिंग का सौभाग्य है और उन लोगों का सौभाग्य है जिनके पास तुम हो जी, कि ऐसा कोई साधक है जो इतने कठिन वातावरण में अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा है जिसमें लोग मर जाते हैं इस स्थिति में जी, तुमने स्थिति को परिवर्तित करके गुरु आदेश का पालन करा है, और यही छोटे 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 जो स्टेप्स होते हैं ना, जो लगते बहुत बड़े हैं, इसको मैं बहुत छोटा स्टेप मानूंगा, हालांकि ये जब साधक उसमें होता है लगता है उसको बहुत बड़ा, लेकिन ये बहुत छोटा स्टेप है जी, जी। है ना, अभी तो ये शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है, हालांकि तुमने बहुत कठिन परीक्षाएं दी हैं जितना कोई दे भी नहीं सकता है, है ना, कोई सोच विचार करके तो देख ले एक बार जी। इसीलिए मेरे को तुम्हारे पे वीडियो बनाने का आया था, और ये ऑडियो जो है इसीलिए मैं जानबूझ के रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तुमको पता भी नहीं होगा, मैं इसीलिए जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि तुम्हारी पूरी बात सुनूं और लोगों तक पहुंचाऊं, ठीक है, कि ये क्या साधक है, कौन साधक है, कैसा साधक है, क्यों मैं आलोक का नाम बार बार बोलता हूँ, और बहुत अच्छे साधक हैं जिनको प्रेरणा मिलती है, और बहुत अच्छे साधक ऐसे भी जिनको ईर्ष्या होती है जी, है ना, गाय का साधक जी, भाई जो साधक को साधक ना समझ पा रहा हो तो उसको अपने अपना स्टेट चेक करना चाहिए कि एक्चुअली वो कौन से स्टेट पे विचार कर रहा है इस समय जी, जी। तो अपनी साधना को आलोक आगे बढ़ाते रहो, है ना, जो भी साधना के समय अब जो शक्ति आना शुरू हो गई है उनसे वार्ता मैंने जो मना करी है तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है, और वो भी अचानक से कोई भी शक्ति आए, है ना, चाहे वो सर पे आए, चाहे कंधे पे आए, चाहे जांग पे आए, चाहे पीठ पे आए, कुछ भी करे जी, है ना, वहाँ पे जो है हल्का सा भार महसूस हो गया, लेकिन कुछ करने की आवश्यकता नहीं जी, जी, है ना, बस मुझे अपडेट करते हो बस, चाहे तुम अपडेट नहीं भी करोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है जी, जी, गुरु हर वो साधक के पास रहता है जो अनंत गुना समर्पित होकर चलता है, है ना, समर्पण में आपकी बुद्धि नहीं चलती, समर्पण में आप विचार करके नहीं चलते हो, समर्पण आप सोच विचार करके नहीं करते हो जी, समर्पण सिर्फ इतनी घटना है, आप नहीं हो, सिर्फ गुरु है जी, गुरु जी, है ना, और उसमें आप सेगमेंट बांट नहीं सकते हो,
कि अच्छा परिवार वाली बात आई, मैंने चलो ये तो परिवार वाला मैटर है, गुरु जी को साइड रखो। अच्छा पैसे वाली बात आई, नहीं नहीं तो गुरु जी का मैटर नहीं है, पैसे वाली बात अलग रखो। हर चीज में घुस जाए गुरु तत्व, आप बिखर जाओ एकदम। तो ये समर्पण की घटना है कि आपने अपने आप को बीच में कहीं घुसेड़ा नहीं, और जब धीरे धीरे गुरु का समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण हो जाता है साधक का, अनंत गुना, मतलब आप कहीं माइनस में खींच नहीं सकते, बैलेंस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं खींच सकते, ऐसी स्थिति जब हो जाए तब उसको समर्पण की परिभाषा पता चलती है। लोग जुड़े हुए हैं हमसे और बोलते हैं कि मैं समर्पित हूँ, समर्पित हूँ, समर्पण नहीं है, मुझे सिर्फ कहानी बताना है, समर्पण हूँ। तो ऐसे समर्पण से न समर्पण ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो धोखा नहीं दे रहा है ना, अपने आप को दे रहा है ना गुरु को दे रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से सभी लोग प्रेरणा लेंगे, और जो ईर्ष्या करने वाले हैं वो ईर्ष्या तो विष्णु बिल्कुल करेंगे, उसका भी स्वागत, दोनों ही स्वाद चाहिए अपने को ना। और सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दो, जो जितना तुम्हारा संसार है वो सब ऑटोमेटिकली चलेगा अपने आप। जी गुरु जी। तो जी। मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि प्रेम से रहो, जिसके साथ भी रहो है ना जी। और जब रहो संसार के लिए, समाज के लिए, धर्म के कार्य के लिए है ना, सनातन के कार्य के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लगे रहो, मैं रहूं चाहे ना रहूं। जी गुरु जी। है ना, तो हमेशा मेरी एक चीज याद रखना कि सबसे प्रेम करना, सबको प्रेम फैलाना, सामने वाले को दूरता करने दो, पाखंड करने दो, उसको भी पता है कि वो दूत है, उसको भी पता है कि वो पाखंडी है जी। है ना, बाहर जितने लोग हैं, बाहर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ तुम अपने भीतर दृष्टि रखो कि तुम्हें प्रेम फैलाना है जी, जी, जी। और तुम्हें सत्य फैलाना है, सत्य तब फैलाओगे जब उसमें तुम खुद नहालोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये जीवन भर के लिए संदेश है कि जब तक रहो सभी साधकों की सहायता करते रहो, उनको गाइड करते रहो, वो चाहे लात मारे चाहे गाली दे, थोड़ा सा लात मारने वालों की टांग भी तोड़नी जरूरी है तो थोड़ा सा टांग भी तोड़ दो कुछ समय के लिए, फिर उसको समझाओ कि ये तुम्हारा गलत व्यवहार था, अब तुम्हें बताता हूँ कि सही व्यवहार क्या होता है ना। तो उसको साधना का ज्ञान दो, उसको बिहेवियरल ज्ञान दो कि कैसा व्यवहार होना चाहिए साधक का। जी गुरु जी। है ना, व्यवहार बहुत ज्यादा जरूरी है, नीति नियम का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है जी जी। और अगर आप ऐसे साधक को जो फ्री रहना चाहते हो तो फिर आपकी जगह समाज में नहीं, जंगलों और पहाड़ों में और शमशान घाट में है ना। शमशान घाट के भी अपने नियम है, वहाँ पे नहीं चलेगा साधक तो वहाँ पर ही मरा हुआ पाया जाएगा, पागल पाया जाएगा, अधिकतर जितने भी अगर तुम देखते हो गए सलाह तरस गांजा नशा दारू पी के जो है गाली गलौज करते पाए जाते हैं, वो वही होते हैं जिनको बैलेंस करना नहीं आता है ना। तो वो अपनी साधना को खूब आगे बढ़ाओ, प्रेम फैलाओ है ना जी, जी। अपना संस्था का नाम फैलाओ, बाबा भैरव का नाम फैलाओ, और गुरु का नाम खूब रोशन करना है ना। बिल्कुल। ये ना हो कि कोई मेरे शिष्य को देख के कहे कि अरे ये उसका चेला है, अरे गुरु भी ऐसे ही होगा ना, लोग ऐसे ही तोलते ना जी, जी। तो हालांकि गुरु को तो कोई अर्थ होता नहीं है जी। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना पर फोकस रखो, जैसे गुरु की बाड़ी आ रही है उसको वैसे वैसे बीते चले जाओ। जी गुरु जी। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ भैया। जी गुरु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक। और आपने जैसा कहा मैं सदैव आपके आदेशों का, सभी आदेशों का पालन करता रहूंगा। चलो और गुरु पूर्णिमा है गुरु जी आज, चलो गुरु पूर्णिमा मिलते हैं। ठीक है, ठीक है गुरु जी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी। If you like it, subscribe it, share it.